हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आरडी शर्मा की एक्सरसाइज 1.5 पेज नंबर 1.36। तो आज हम सीखने वाले हैं अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8, इन सभी नंबर्स को आप नंबर लाइन पर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही अंडर रूट 3.5, अंडर रूट 9.4, अंडर रूट 10.5, इन सभी को हम आज देखेंगे कि किस तरीके से नंबर लाइन पर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहाँ पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की, जो कि है लेवल 2 का। इसमें आपको गिवन है अंडर रूट 6, अंडर रूट 7 और अंडर रूट 8। इनको आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। बट इससे पहले हम समझ लेते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। इस थ्योरम के अंदर आपके पास तीन चीजें होती हैं। पहला होता है हाइपोटेन्यूज, दूसरा है बेस और तीसरा है परपेंडिकुलर। आप यहां पर देख सकते हैं, ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर, और नीचे वाला आपका जेड वाई, ये आपका बेस है, और आपका जेड एक्स है हाइपोटेन्यूज, और एक्स वाई है आपका परपेंडिकुलर। और इन तीनों में रिलेशन होता है ये वाला, आप देख सकते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एच पी एंड बी। मैं आपको बता दूं कि अंडर रूट 6, अंडर रूट 7 और अंडर रूट 8, इनको रिप्रेजेंट करने से पहले हम देख लेते हैं अंडर रूट 5 को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, इस थ्योरम के हिसाब से हम देख लेते हैं। तो यहां पर आपको सिर्फ अपना दिमाग यूज करना है, ये जो फॉर्मूला है इसका आपको इस्तेमाल करना है। देखिए, अगर मैं इसको 1 सेंटीमीटर रखता हूं और यहां पर इसको 2 रखता हूं, तो h का वैल्यू क्या आ जाएगा। अब देखिए h का वैल्यू क्या आएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ओके, सो दिस विल कम डाउन टू 5 एंड दिस विल बिकम अंडर रूट 5। सो फाइनली जो h का वैल्यू होगा वो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5। ठीक है, अब मान लो कि ये जो बेस है आपका एक नंबर लाइन है। ओके, मान लो कि ये जो बेस है आपका एक नंबर लाइन है। ठीक है, तो अगर मैं इसको सेंटर मान लेता हूं, ठीक है, इस पॉइंट को यहां पर सेंटर मान लेता हूं, इसको मैंने नाम दे दिया O। ठीक है, और O से लेके A, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया A। ठीक है, और यहां पर मैं एक आर्क लगाता हूं कंपास की मदद से। ओके, तो ओ ए जो है आपका क्या हो जाएगा, एक रेडियस हो जाएगा। ठीक है, और मैं इसको अगर नीचे लेके आता हूं, ठीक है, तो इसका मतलब है अब यहां पर इस लाइन पर यहां पर ही कट करेगा, इसको मैं नाम दे देता हूं सी। तो ओ सी जो है आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5। ठीक है, ओ ए क्या था, अंडर रूट 5। ठीक है, तो नीचे आकर भी ये अंडर रूट 5 ही रहेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इस मेथड को यूज करके आपको अंडर रूट 6, अंडर रूट 7 और अंडर रूट 8 भी ड्रॉ करना है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो अंडर रूट 6, अंडर रूट 7 और अंडर रूट 8 को रिप्रेजेंट करने से पहले आपको यहां पर अंडर रूट 5 रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो चलिए यहां पर 2 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका 2 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ हो चुका है। तो यहां पर इस लाइन सेगमेंट को आप नाम दे दीजिए, इसको हमने ओ दिया था तो इसको ओ लिख दीजिए। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है और ये जो वाला पॉइंट है आपका, ये हो जाएगा आपका, लेट से मुझे यहां ड्रॉ करना था तो इसको हमने एक्स बोल दिया। ठीक है, तो इसको मैंने बोल दिया एक्स। ओके, इसको हमने एक्स लिख दिया। इसके बाद आपको इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है, जो एक्स पॉइंट पर कट करता हो। तो सिंपली यहां पर आप एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि होगी परपेंडिकुलर। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल होगा आपका इसका। इसके बाद इस पॉइंट को आप नाम दे दोगे ए। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया ए। जैसा आप देख सकते हैं, हमने सेम ही नेमिंग की है, जैसा ऊपर कर रहे हैं वैसे ही नीचे किया है। इसके बाद ओ ए को आप ज्वाइन कर दोगे। ठीक है, ओ ए को आप ज्वाइन कर दोगे, आप इसको यहां पर
ज्वाइन कर दोगे इस लाइन को, ठीक है, ये आपकी लाइन ज्वाइन हो चुकी है। और यहाँ पर ए एक्स ओ एंगल जो है वो आपका 90 डिग्री है, तो इसको आपने सिंपली यहाँ पर डिनोट कर दिया। ओके, तो इस फिगर में आप देख सकते हो ए एक्स का वैल्यू है 1 सेंटीमीटर और ओ एक्स का वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, और आप जानते हो ए ओ का वैल्यू आएगा आपका अंडर रूट 5, जो कि हम ऊपर ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है। लेकिन हमें यहां पर नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 को ड्रॉ करने के लिए नंबर लाइन पर आपको यूज करना है कंपास, ठीक है। कंपास को आप कुछ इस तरीके से आप रखोगे, ओ ए जो आपका लेंथ है इस पर आपको रखना है, ठीक है। ए पर आपका जो पेंसिल है वो पॉइंट रहेगा, ठीक है, और आपको क्या करना है, इस लेंथ का आर्क लगाना है, ठीक है, नीचे की तरफ लेके जाना है, क्योंकि आपको ड्रॉ करना है नीचे। ओके, तो आप नीचे इसको ड्रॉ कर दीजिए। तो यहां पर हमारी आर्क जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो इसको हम हटा देते हैं। तो यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये जो पॉइंट था आपका ये था आपका एक्स, ओके, ये जो पॉइंट था ये एक्स था आपका, और ये जो पॉइंट है, ठीक है, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखें, ये जो पॉइंट है ये आपका है अंडर रूट 5, ओके, ये जो लेंथ है आपका टोटल लेंथ, ठीक है, ये आपका अंडर रूट 5 है। मैं कहना चाहता हूं कि ये जो लेंथ है आपका, मान लो ये जो पॉइंट निकल के आया है इसको हमने बोल दिया वाई, ठीक है, इस पॉइंट को हमने वाई बोल दिया, तो लेंथ आपका ओ से लेके वाई तक ये आपका अंडर रूट 5 होगा। हमने यहां पर सिंपली क्या किया है, जो आपका ओ ए लेंथ था अंडर रूट 5 उसको हमने बस नीचे कर दिया है, ठीक है, तो आपका अंडर रूट जो ऊपर था अंडर रूट 5 वो नीचे आ चुका है और वो आपका ड्रॉ हो चुका है। तो जैसे ही आपका अंडर रूट 5 कंप्लीट होता है उसके बाद आप अंडर रूट 6, अंडर रूट 7 और अंडर रूट 8 भी आप ड्रॉ कर सकते हो। आपको सिर्फ इतना करना है, जैसे ही आपका ये जो पॉइंट है, ठीक है, ए पॉइंट है, इससे ऊपर आपको 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है यहां तक, ठीक है, ये जो डिस्टेंस आपने लिया है दिस इज ऑफ 1 सेंटीमीटर, इस पर आपको एक 90 डिग्री एंगल लेना है, ठीक है, और ये जो लाइन है आपका, ठीक है, ये आपको ज्वाइन कर देना है, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद यहां से आपको आर्क लेना है, आप देख सकते हैं ये जो आपका है, ठीक है, पिंक वाला जो है, ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट है, दैट मीन्स दिस इज ऑफ अंडर रूट 6, ओके, ये जो पॉइंट है आपका यहां पर थोड़ा सा बहुत छोटा गैप है आप देख सकते हैं, और उसके बाद ये आपका ऑरेंज है, दिस इज योर अंडर रूट 7, और ये आपका ग्रीन है, दिस इज योर अंडर रूट 8, ठीक है। आपको सेम फॉर्मेट में आपको करना है, सेम मेथड है, इन द सेम मैनर आपको ऊपर 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस फिर लेना है, ठीक है, और यहां पर भी आपको 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, फिर दोबारा से इस लाइन को आप ज्वाइन कर देंगे और यहां से आप आर्क लेंगे और नीचे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो जो ऑरेंज वाला है ये आपका अंडर रूट 7 हो जाएगा, और इसी तरीके से यहां पर भी आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे, ये आपका 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रहेगा, ठीक है, और फिर उसके बाद इस लाइन सेगमेंट को आप ज्वाइन कर दोगे और यहां से आप एक आर्क ड्रॉ करोगे, ठीक है, ये जो ग्रीन वाला है दिस इज योर अंडर रूट 8। तो चलिए अब बात करते हैं लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में पूछा गया है रिप्रेजेंट अंडर रूट 3.5, अंडर रूट 9.4, अंडर रूट 10.5 ऑन दी रियल नंबर लाइन, ठीक है, इन सभी नंबर्स को आपको नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अंडर रूट 3.5 से। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 6 स्टेप्स बताऊंगा, ओके, 6 स्टेप्स होंगे जो आपको अंडरस्टैंड करने हैं, उनके बेसिस पर आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1 से। तो सबसे पहला स्टेप है ड्रॉ अ लाइन एंड मार्क अ पॉइंट ए ऑन इट, ठीक है, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है और उस पर आपको ए रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो जो आपका डिस्टेंस होगा वो होगा आपका 3.5 सेंटीमीटर। तो चलिए इस लाइन को हम ड्रॉ कर लेते हैं। इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद आपको यहां पर नेमिंग करनी है, एक पॉइंट को नाम दे देंगे ए और दूसरे को दे देंगे बी, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 क्या होगा, मेक अ पॉइंट बी ऑन दी लाइन ड्रॉन इन स्टेप 1 सच दैट ए बी इज इक्वल टू 3.5, ठीक है। तो इसका मतलब है जो ए बी आपने ड्रॉ की है वो होगी आपकी 3.5 सेंटीमीटर की, ठीक है, और आपने दूसरा पॉइंट दे दिया है बी। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की। तो यहां पर आपको क्या करना है, मार्क अ पॉइंट सी ऑन ए बी प्रोड्यूस्ड
सच दैट BC इज इक्वल टू 1 यूनिट, यानी B से राइट साइड में आपको एक यूनिट लेना है या फिर एक सेंटीमीटर हम बोल सकते हैं, ठीक है, उतना डिस्टेंस आपको लेना है। तो चलिए इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसका मतलब है अब ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 4.5, और राइट साइड में जो नया पॉइंट आया है इसको आप नाम दे देंगे C। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की। इसमें आपको करना है फाइंड मिड पॉइंट ऑफ AC, लेट द मिड पॉइंट बी O। ठीक है, आपको यहां पर जो AC है पूरा डिस्टेंस है 4.5, इसका आपको मिड पॉइंट निकालना है। इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी कंपास की, ठीक है, दोनों तरफ आपको आर्क लगाना है। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं। आपको आर्क दोनों तरफ लगाना है, ऊपर भी और नीचे भी। तो चलिए कंप्लीट सर्कल ही बना लेते हैं। मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ वर्चुअल मैथमेटिक्स टूल्स, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत एरर आ सकता है तो उसको आप इग्नोर करके चलिए। तो यहाँ पर आपकी दो आर्क आ चुकी हैं, ठीक है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसके थ्रू आपको एक लाइन पास करनी है जो कि एक नए पॉइंट से पास होगा, ठीक है, जो AC आपकी लाइन है इससे पास होगा और उस नए पॉइंट को आप नाम दोगे O, ठीक है। बेसिकली ये O क्या होगा, ओरिजिन ऑफ AC। तो चलिए यहाँ पर आपका आर्क कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर आपके पास दो इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो जैसे ही आप इस इंटरसेक्शन पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करोगे, लाइन पास करोगे, तो ये जो AC लाइन है उससे पास होगा। तो जहां पर ये AC को कट करेगा उस पॉइंट को हम बोल देंगे पॉइंट O। O का मतलब क्या है, ओरिजिन या फिर एक मिड पॉइंट, AC का मिड पॉइंट हो जाएगा ये। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा गैप दिखाई दे रहा होगा, जो A पॉइंट है और आपका C पॉइंट है जो हमने सर्कल ड्रॉ किया है ये पूरा नहीं बन रहा है। इसका मतलब है क्योंकि मैंने यहाँ पर वर्चुअल मैथमेटिकल टूल यूज किया है तो इसलिए यहाँ पर एरर आ रहा है, ठीक है। जब आप इसको एक्चुअल टूल से बनाएंगे तो ये आपका बिल्कुल सही बनेगा, तो आप इसको इग्नोर करके चलिए, ठीक है। आप अपना जो एक्चुअल टूल है उससे आप बनाइए, बिल्कुल सही बनेगा आपका। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की। टेकिंग O एज द सेंटर, ठीक है, O को आपको सेंटर लेना है एंड OC इज इक्वल टू OA। अब आपका जो OC है वो किसके बराबर है, OA के। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 5 की। टेकिंग O एज द सेंटर एंड OC इज इक्वल टू OA एज रेडियस, ड्रॉ अ सेमी सर्कल, ऑल्सो draw a line passing through B perpendicular to OB, suppose it cuts the semicircle at T। तो देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से बताया गया है, जो O है आपका वो आपका सेंटर हो जाएगा और OC आपका OA के बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये आपका OA या फिर OC आपका रेडियस की तरह एक्ट करेगा। उसके बाद आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है, ठीक है, B जो आपका पॉइंट है इस पर आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है प्रोट्रैक्टर की हेल्प से। तो जैसे ही आप इसको ड्रॉ करते हो तो ये जो आपका सेमी सर्कल है ये इस पॉइंट पर कट करेगा, इसको हमने नाम दे दिया है डी, डी पॉइंट हमने इसको नाम दे दिया है, इस पॉइंट पर वो कट करेगा, ठीक है। तो ओ और डी को आप ज्वाइन कर दोगे, ठीक है, बी और डी को भी ज्वाइन कर दोगे, ओके। तो चलिए इसको ज्वाइन कर लेते हैं। अब बात करते हैं लास्ट स्टेप की, स्टेप नंबर 6। टेकिंग बी एज अ सेंटर and BD as radius, draw an arc cutting OC produced at E, point E so obtained represents under root 3.5। तो यहाँ पर बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया है, जो B पॉइंट है वो आपका सेंटर है और जो आपका BD है, ओके, जो BD आपको लाइन दिखाई दे रही है वो आपकी रेडियस है। तो यहाँ पर आप कंपास यूज करेंगे, जो D है आपका, D पॉइंट है, यहाँ पर आपका रखा जाएगा जो पेंसिल है और B पर आपका जो कंपास का पॉइंट है वो यहां पर रहेगा B पर, ठीक है। इससे आप एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो BD है उसी सेम लेंथ का और नीचे लेके आएंगे राइट साइड में। तो जैसे ही आप इसको नीचे लेके आते हैं तो ये एक पॉइंट पर कट करेगा जिसको हमने नाम दे दिया है E पॉइंट। तो E पॉइंट जो एक्चुअल में होगा वो होगा आपका अंडर रूट 3.5 और यही हमें फाइंड करना था। तो आप देख सकते हैं कितना आसान है आपको ये सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है। तो यहाँ पर चाहे आपका क्वेश्चन कोई भी हो अंडर रूट की फॉर्म में, अंडर रूट 9.4 या फिर अंडर रूट 10.5, ठीक है, तो यही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि डिफरेंस कहाँ पर होगा, जो आपका स्टेप नंबर 1 है, ठीक है, जो डिस्टेंस लेते हो स्टार्टिंग में, जैसे अंडर रूट 9.4 है तो 9.4 का आप डिस्टेंस लोगे, ठीक है, जो लाइन ड्रॉ करोगे स्टार्टिंग में वो 9.4 की होगी, और जो राइट साइड में आप 1 यूनिट का डिस्टेंस लेते हो या फिर 1 सेंटीमीटर का वो हमेशा लोगे,
चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, वो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आपका फिक्स रहेगा, ठीक है। वो हर क्वेश्चन में आपको अप्लाई करना है। जो स्टेप नंबर थर्ड मैंने आपको बताया था, मार्क अ पॉइंट सी ऑन ए बी प्रोड्यूस्ड सच दैट बी सी इज इक्वल टू 1 यूनिट, तो ये स्टेप आपका कॉमन रहेगा। डिस्टेंस चाहे आपका कोई भी हो, ये 1 यूनिट आपको राइट साइड में लेना ही लेना है, बस ये डिफरेंस है। बाकी जगह आपको सारे स्टेप्स सेम रहेंगे, सेम मेथड रहेगा आपका, ठीक है। तो जो लास्ट में आपका पॉइंट आता है ई पॉइंट जो निकल के आएगा, वो आपका एक्चुअल में वो डिस्टेंस होगा जो आप फाइंड करना चाहते हैं, जो नंबर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।